गोविंदाचार्य ने कहा भारतीय जनता पार्टी में साजिश, तिकड़म और चालाकी बढ़ी, आडवाणी के अवमूल्यन से साख का संकट। एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने कहा ये लड़ाई अंजलि और गडकरी के बीच नहीं, सही और गलत के बीच थी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा अब पूरे मामले की जांच हो, अब कांग्रेस को शर्म करने की बारी। राजनाथ की गद्दी संभालते ही कर्नाटक में कमल पर संकट, येदियुरप्पा समर्थक 13 विधायकों ने दिया इस्तीफा। बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले बीएस येदियुरप्पा ने कहा अल्पमत में है कर्नाटक सरकार, कुर्सी छोड़े मुख्यमंत्री। बाल ठाकरे के जन्मदिन पर उद्धव और आदित्य की शिवसेना में ताजपोशी, उद्धव बने पार्टी अध्यक्ष, आदित्य को युवा विंग की कमान। मुंबई के सेना भवन में शिवसेना ने धूमधाम से मनाया बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन, महिलाओं को सुरक्षा के लिए बांटे चाकू। शिवाजी पार्क में बनेगा बाला साहेब स्मारक पार्क, बीएमसी से मिली इजाजत। बाला साहेब के जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन और उद्धव ने लॉन्च किया वर्चुअल क्लासरूम, मुंबई निगम का है प्रोजेक्ट। मुंबई नगर निगम के कार्यक्रम में बोले अमिताभ, कहा स्कूल में था बैक बेंचर, कभी नहीं सोचा था बनूंगा सुपरस्टार। आज तेलंगाना के फांस निकालने की कोशिश जुटेगी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लेगी नेताओं की बैठक। आज कैबिनेट की मीटिंग में आ सकता है वॉलमार्ट की लॉबिंग का एजेंडा, जांच आयोग के गठन के प्रस्ताव पर होगा विचार। दिल्ली गैंगरेप केस में 5 अभियुक्तों पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई, 8 से फास्ट ट्रैक कोर्ट में बंद कमरे में होगी सुनवाई। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की उम्र पर आ जा सकता है फैसला, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में बालिग माने जाने की मांग। एसएस नामधारी और 9 अन्य अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म, पॉन्टी चड्ढा और उसके भाई की हत्या के हैं आरोपी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली को 35 साल तक की हो सकती है जेल, आज शिकागो में अदालत सुना सकती है सजा। लश्कर का आतंकवादी है 52 साल का हेडली, अमेरिकी सरकार ने कहा मुंबई हमले की हेडली ने रची थी साजिश, नरसंहार का है गुनहगार। हेडली का प्रत्यर्पण न होने पर भारत निराश, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जताया दुख, कहा हम भारत में चलाना चाहते थे केस। सीमा पर सीज फायर उल्लंघन का भारत पाकिस्तान के बीच पानी पर होने वाली बैठक पर भी असर, सचिव स्तर की वार्ता रद्द। जनवरी के अंत में इस्लामाबाद में होने वाली थी सचिव स्तर की वार्ता, अफसरों ने तारीख की बताई दिक्कत। दिल्ली गैंगरेप के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, फांसी देने का नहीं दिया सुझाव। वर्मा कमेटी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए सरकार और सिस्टम को लताड़ा, गृह सचिव और दिल्ली पुलिस की भी की खिंचाई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने नाबालिग की उम्र में बदलाव का भी नहीं दिया सुझाव, पुलिस प्रमुखों के सुझाव के लिए तरसता रहा है वो। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने कहा लोगों के सड़कों पर उतरने पर भी नहीं सुधरी पुलिस, सिर्फ माफी मांगने से नहीं बनेगी बात। सीपीएम नेता डी राजा ने कहा जस्टिस वर्मा कमेटी की होनी चाहिए जांच, किसी डीजीपी ने क्यों नहीं दिए सुझाव। पुणे के स्कूल में छेड़खानी का विरोध कर रहे 3 एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया, मेडिकल के लिए ससून अस्पताल ले गई पुलिस। छात्रा से छेड़खानी के आरोप में स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हुआ गिरफ्तार, लड़की ने चाचा की मदद से लिखाई थी एफआईआर। स्कूल की 4 और लड़कियों ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा, शब्द कहने और शारीरिक छेड़छाड़ का लगाया आरोप। दिल्ली के मंडावली चंद्रविहार रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, एक महिला और उसकी 7 महीने की बच्चे की कटकर मौत। बच्चे को गोद में लेकर ट्रैक के साथ साथ चल रही थी महिला, तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आई। दिल्ली के गोकुलपुरी में सनसनीखेज वारदात, बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की चाकू मारकर हत्या। 17 साल के बच्चे सोनू को घर से निकालकर 3 लोगों ने मारा चाकू, जीटीपी अस्पताल में लड़के ने तोड़ा दम। वारदात के बाद सीमा विवाद में उलझी दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस, पोस्टमार्टम में हुई सुबह से शाम, केस दर्ज करने में भी देरी। दिल्ली के मयूर विहार में रोड रेज की घटना, मोटरसाइकिल सवार पुलिस गश्ती दल की पिटाई, एक गिरफ्तार बाकी फरार।
साइड नहीं देने के चलते पुलिस वालों पर फिर पड़े बदमाश। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ चुका है आरोपी मुकेश और मुखिया गुज्जर। सुपर चोर बंटी ने अब केरल में एनआरआई के घर लगाई सेंध। लग्जरी कारें और सोने के 130 शील्ड चुराने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बंटी तक पहुंच पाए तिरुवनंतपुरम पुलिस। बंटी ने घर में लगे 3 वेब कैमरे तोड़े, चौथे को तोड़ने में रहा नाकाम। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पंटून पुल चोरी मामले की जांच शुरू। दिन दहाड़े 13 कैप्सूल गायब होने के बाद खुली पुलिस की आंख। नहर में मिली इंग्लैंड में 3 हफ्तों से लापता बैंगलोर के छात्र सौविक पाल की लाश। न्यू ईयर पार्टी के बाद लापता था सौविक। पश्चिम बंगाल में खुला देश का पहला महिला कोर्ट मालदा में हुआ उद्घाटन। जयपुर में आज से शुरू हो रहा है साहित्य का उत्सव, लेकिन आयोजकों को इस बार भी विवाद की आशंका। जयपुर में 5 दिन तक चलेगा लिटरेचर फेस्टिवल, पिछली बार सलमान रुश्दी को लेकर हुआ था बवाल। आयोजकों ने कहा इस बार दलाई लामा होंगे उत्सव में शामिल, इस बार अच्छे से जाना जाएगा उत्सव। एक्टर कमल हासन की फिल्म विश्व रूपम पर गिरी तमिलनाडु सरकार की गाज, फिल्म दिखाने पर लगाया प्रतिबंध। कमल हासन की फिल्म का अल्पसंख्यक कर रहे थे विरोध, प्रशासन को कानून व्यवस्था बहाल रखने के दिए आदेश। गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी देश की आन बान शान, राजपथ पर ताकत अनुशासन और संस्कृति का मेल। चौसठवें गणतंत्र दिवस के रिहर्सल में गर्व से सीना ताने निकले जांबाज जवान, देशभक्ति के धुन से राजपथ पर उमड़ा देश। परेड में शामिल हुए अत्याधुनिक सैन्य शस्त्र, हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया थल सेना, वायुसेना और जल सेना का दमखम। भारतीय वायुसेना ने आसमान में दिखाई ताकत, परेड में गर्व जिस हुए समय तमाम लड़ाकू विमान। भारतीय थल सेना ने दिखाई अर्जुन टैंक की ताकत, जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत कर सकता है खट्टे। इलाहाबाद के महाकुंभ में स्थापित किए जा रहे हैं 1.25 करोड़ शिवलिंग, मौनी अमावस्या पर होगी पूजा, 1 करोड़ रुपए होंगे खर्च। महाकुंभ मेले में वर्दी वाले बाबा 1994 में मध्य प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर बन गए नागा साधु। पत्नी की मौत के बाद बाबा रणपुरी की दीन दुनिया से हुई विरक्ति, खाकी वर्दी छोड़कर सन्यासी बन गए बाबा। इलाहाबाद कुंभ में विज्ञान के साधक बने आध्यात्म के प्रचारक, आईआईटी कानपुर के इंजीनियर अच्युत केशव दास ने लगाई अलग। पचपन फीट लंबी बस में है केशव दास का आशियाना, संगम तट पर लेकर पहुंचे हैं आध्यात्म की लाइब्रेरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी में फंसे 203 लोगों का रेस्क्यू वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से निकाला। मौसम विभाग से हरी झंडी मिलते ही शुरू हुआ भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन, महिलाओं बच्चों को किया गया एयरलिफ्ट। शिमला के रामपुर में हिमस्खलन से 120 भेड़ बकरियां दबकर मरी, लोगों की सरकार से मदद की मांग। एक हफ्ते बाद भी नहीं खुल सका है शिमला रामपुर मार्ग, पूरे जनजातीय इलाके में बिजली टेलीफोन और यातायात सुविधा ठप। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लाई गई बाघिन बीना वन, रणथंभौर से किया गया शिफ्ट, शिकारियों से उजाड़ हुआ टाइगर रिजर्व। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर किया कब्जा, 3-1 से बढ़ाई बढ़त। मोहाली वनडे में यंग इंडिया टीम की लौटी धार, इंग्लैंड को 5 विकेट से पीटा। इंग्लैंड ने 258 रनों का दिया था लक्ष्य, टीम इंडिया ने 15 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर ली जीत। मोहाली में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे सुरेश रैना, मिला मैन ऑफ द मैच। रैना ने 79 गेंदों में बनाए नाबाद 89 रन, राजकोट और कोच्चि के बाद जड़ा तीसरा अर्धशतक। रोहित शर्मा ने की टीम इंडिया की ओपनिंग, 83 रनों की खेली शानदार पारी। मोहाली में इंग्लैंड के गिरे 7 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 3 और ईशांत शर्मा ने 2 विकेट झटके। वनडे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी बने दूसरे सबसे सफल कप्तान, 90 मैचों में जीत के साथ ही अजरुद्दीन हैं आगे।
धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 134 मैचों में 77वीं जीत की हासिल, गांगुली के 76 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। धोनी ने किया ट्वीट, उंगली की चोट है बेहतर, चोटिल अंगूठे के साथ मोहाली में उतरे थे मैदान में। बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों से बुधवार को मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित किताब और अन्य उपहार किए भी। दिल्ली के श्रीराम सेंटर में शुरू हुआ संगीत और नृत्य महोत्सव, युवाओं को मिला हुनर निखारने का मंच। मुंबई में नौटंकी साला के प्रमोशन की तैयारी में जुटे सितारे, अंधेरे में कुणाल कपूर चढ़े विज्ञापन बोर्ड पर, आयुष्मान खुराना के साथ मस्ती की। प्रोड्यूसर रमेश रिपी ने नौटंकी साला में भी दिया शोले का तड़का, फिल्म रिलीज होने में अभी कुछ दिन, कुछ महीने हैं बाकी। फिल्म सोना स्पा में छधारी बाबा दयानंद के रोल में नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह, धर्मगुरुओं पर फिल्म में है व्यंग्य। इराक में आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत, मस्जिद में हमलावर ने कर दिया विस्फोट। अफगानिस्तान में 20 हफ्ते की तैनाती के बाद लंदन लौटे प्रिंस हैरी, अपाचे हेलीकॉप्टर से तालिबान पर हमले के बयान पर सादी चुप्पी। माली में विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई हुई तेज, कई देशों की सेनाओं ने झोंकी ताकत, फ्रांस के हेलीकॉप्टर तोपों ने लगाई गश्त। अल्जीरिया के बंधक संकट का खौफनाक वीडियो आया सामने, गोलीबारी के बीच भागते दिखे बंधक, अपहरता भी कैमरे में कैद। नाइजीरिया में लुटेरों ने तेल पाइपलाइन तोड़ी और आग लगाई, सरकार ने अर्थव्यवस्था को बताया धक्का। बोलिविया के एक राजनेता करतूत कैमरे में कैद, बेहोश महिला को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तुर्की के इस्तांबुल में ऐतिहासिक ऑटोमैन मेंसन आगजनी से तबाह, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मॉस्को में एक साल के बच्चे ने मौत को दी मां, सड़क हादसे के बाद खिड़की से उछलकर बर्फ पर गिरी, बाल बाल बची जान। सिडनी में फूल चढ़ जाने पर एक बकरे की कोर्ट में पेशी, केस में बकरे की हुई जीत, कोर्ट ने जुर्माना किया माफ। लंदन में लगा खिलौनों का सबसे बड़ा मेला, डायनासोर से लेकर हर तरह के खिलौने हैं मौजूद।